हेलो फ्रेंड्स, केएसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जीएसटी और इनकम टैक्स अब नहीं लगेंगे, अब आएगा नया टैक्स। बिल्कुल सही थंबनेल पढ़ रहे हैं। और नॉर्मली हमारे इंडिया के अंदर दो टाइप के टैक्सेस हैं, एक जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि सर जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। दूसरा टैक्स होता है सर हमारे इंडिया के अंदर, वो है सर इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हम किसी अदर पर्सन को पे करते हैं और वो गवर्नमेंट को पे करता है। डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो उसे हम बोलते हैं सर इनकम टैक्स। अब सर इनकम टैक्स जो होता है वो आपकी इनकम के आधार पर होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका टैक्स का अमाउंट बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसकी 10 लाख रुपीज की इनकम है। ओके सर, इस 10 लाख रुपीज की इनकम पर नॉर्मली अगर हम बात करें सर 1 लाख रुपए का टैक्स आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 लाख रुपीज का टैक्स आ रहा है। ऑलरेडी सर इस पर उसने अपना इनकम टैक्स पे कर दिया, यानी कि इस इनकम पर उसने अपना इनकम टैक्स पे कर दिया। लेकिन अगर इस इनकम में से, ये जो इनकम है उसमें से अगर कोई भी वो गुड्स परचेज करने के लिए जाता, जैसे फॉर एग्जांपल उसने अपने घर के लिए एलईडी परचेज की या फ्रीज परचेज किया, कुछ भी परचेज किया, तो उस पर उसको गुड्स या फिर सर्विस पर नॉर्मली से जीएसटी चार्ज किया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है। जिससे भी हम गुड्स परचेज करते हैं उसको हम टैक्स पे करते हैं और वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट सेटअप करने के बाद में। लेकिन अल्टीमेटली जो बर्डन जो पे करता है वो कौन करता है सर? कंज्यूमर बेयर करता है। तो सर यहां पर डबल टैक्सेशन हो रहा है। अब डबल टैक्सेशन का मतलब कैसे सर? 10 लाख रुपीज है, 10 लाख रुपीज पर ऑलरेडी सर उसने अपना 1 लाख रुपीज का टैक्स पे कर दिया। सर्विस 10 लाख रुपीज के उसी पेसो से अगर हम कोई भी गुड्स परचेज करने के लिए जाते हैं तो वहां पर सर हमको अलग से फिर जीएसटी भी पे करना पड़ता है। That means कि अगर हम कोई सर 1 लाख रुपीज की अगर हम कोई परचेज करने के लिए गए तो सर 18,000 रुपए का हमको जीएसटी पे करना है, यानी कि टोटल सर हमको 1,80,000 रुपीज हमको पे करने होते हैं। अगर ये जीएसटी नहीं होता तो हमको सिर्फ 1 लाख रुपीज पे करने। तो सर यहां पर इसी इनकम के अंदर हमने 1 लाख रुपीज इनकम टैक्स भी पे कर दिया और साथ में हमने इस 1 लाख इस पे जो जैसे 9 लाख रुपीज हमारे बचे और 9 लाख में से 1 लाख हमने यहां किए, इसके ऊपर हमने सर 18,000 रुपीज भी हमने पे किए। यानी कि सर ये जो गवर्नमेंट है ये हमें डबल टैक्सेशन ले रही है हमारे एक ही इनकम पे। ऊपर सर हम कमाते तो एक ही इनकम है, एक ही सोर्सेस से इनकम कमाते हैं, लेकिन उस पर इनकम टैक्स भी ले रही है और साथ साथ में हम कोई गुड्स परचेज करने के लिए जाते हैं, कहीं मूवी देखने के लिए जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट हमसे वहां से अलग अलग टैक्सेस ले रही है। तो सर इन दोनों टैक्सेस को, यानी कि डबल टैक्सेशन जिसको बोलते हैं इन लैंग्वेज में कास्केडिंग इफेक्ट, एक ही इनकम पर आपके दो दो टैक्सेस लग रहे हैं उसको बोलते हैं कास्केड इफेक्ट। तो सर इस इफेक्ट को कैसे कम किया जाए, यानी कि सर गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा ये बर्डन हो रहा है उस बर्डन को कैसे रिड्यूस किया जाए, इसके लिए सर एक बहुत बड़े वकील ने, एक नॉर्मली यहां पर 2016 से इसकी बात चल रही है कि सर आप इन दोनों टैक्सेस को बंद कर दीजिए। और गवर्नमेंट भी, अगर मोदी सरकार अगर फिर से नहीं आ गई तो सर गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत जल्दी ही इसके ऊपर वर्क करने वाली है। जहां तक आर्टिकल्स में ये आ रहा है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर जल्दी वर्क करने वाली है। अब सर ये क्या है? अगर हम बात कर रहे हैं सर इनडायरेक्ट टैक्स या फिर डायरेक्ट टैक्स, यानी कि सर इनकम टैक्स, हमारे इनकम पर जो टैक्स लगता है वो बंद हो जाएगा। सर इनडायरेक्ट टैक्स जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं या सर्विस परचेज कर रहे हैं वो वाला टैक्स हमारा बंद हो जाएगा। तो सर फिर कौन सा टैक्स आएगा? गवर्नमेंट को इनकम कैसे होगी? अभी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट होती है सर, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार को जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है, तो आधा पार्ट आपका सेंट्रल का होता है, आधा पार्ट आपका स्टेट का होता है। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो तो वो स्टेट का गुड्स जाता है जहां पर गुड्स कंज्यूम हो रहा है, उसी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स के हिसाब से उस गवर्नमेंट को फायदा होता है। तो यहां पर सर एक नया टैक्स अब आने वाला है जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों जल्दी ही फिनिश होने वाला है, यानी कि समाप्त हो जाने वाला है। और हमारे सबके लिए गुड न्यूज है सर, हमको डायरेक्ट टैक्स भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो सर कौन सा टैक्स पढ़ना पड़ेगा? तो उसके लिए एक नया आया है सर बीटीटी। आपने इसके ऊपर, इसके बारे में अगर जानने की कोशिश की होगी या बीटीटी का क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है सर बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स।
अब सर गवर्नमेंट ने क्या किया, मोदी सरकार जैसे ही आई थी उन्होंने सबके बैंक अकाउंट्स ओपन करा दिए, चाहे वो जनधन अकाउंट्स हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे कोई भी अकाउंट हो, सबके बैंक अकाउंट्स ओपन करा दिए। इसके बाद मोदी सरकार ने क्या किया कि सर मोदी सरकार ने सबको बोल दिया कि आप ज्यादातर डिजिटल पेमेंट करो, कोरोना में सबने डिजिटल पेमेंट करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ने सर 2000 की नोटें बंद कर दी। यानी कि सर गवर्नमेंट की पहले से बहुत सारी प्लानिंग है, ये 2016 से ये काम इस पर चल रहा है और इसके बाद उन्हें 2017 में जीएसटी लेके आया, क्योंकि जीएसटी 2004 से चल रहा था। तो जो 2016 से इसके ऊपर वर्क चल रहा है इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम कर रही है, सबके उन्होंने बैंक अकाउंट ओपन करा दिए ताकि सर नॉर्मली 90% जो ट्रांजैक्शन आज की तारीख में हो रहे हैं वो सब डिजिटल हो रहे हैं, यानी कि बैंक से हो रहे हैं। कोई भी अगर कुछ भी जैसे जूस भी परचेस करने के लिए जाता है या कुछ भी छोटी सी चीज भी परचेस करने के लिए जाता है फोनपे पेटीएम से ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो ये बीटीटी होता है सर, बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स, यानी कि सिर्फ बैंक के द्वारा आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे उसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा, न कि आप आपकी इनकम कितनी हो रही है, आप क्या गुड्स परचेस कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप कोई गुड्स परचेस करने के लिए जा रहे हो तो वहां आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपसे बैंक से चार्ज कर रही है, सामने वाले पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है तो बैंक उससे चार्ज कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट एवरी बैंक ट्रांजेक्शन के आधार पर आपसे टैक्स वसूलेगी। ऐसे कोई भी कि आपको सर इतना जीएसटी पे करना, आपको इनकम टैक्स पे करना, ये वाला जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो अभी चल रहा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब समझते हैं सर व्हाट इज बीटीटी। बीटीटी का मतलब होता है सर बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स, इस प्रपोज्ड मेथड ऑफ टैक्सेशन विच वुड बी चार्जेड ऑन ऑल फॉर्म्स ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन, चाहे वो क्रेडिट हो चाहे वो डेबिट हो। क्रेडिट का मतलब होता है कि सर आपकी बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है उसको हम क्रेडिट बोलते हैं, डेबिट का मतलब होता है आपके बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है। दोनों ट्रांजेक्शनों में चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो उसके ऊपर अभी वर्क चल रहा है, ये बोला है सर प्रपोज्ड मेथड चल रहा है अभी। अर्थ क्रांति, अब इसको क्या बोलते हैं सर, अर्थ क्रांति आने वाली है। अर्थ क्रांति हैज प्रपोज्ड टैक्सेशन रेट ऑफ 2% ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। सर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे सर आपको 2% के हिसाब से नॉर्मली टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये जो रेट है ये रेट वैसे प्रपोज्ड है, वेरिएशन कुछ भी हो सकता है जब एक्ट लॉन्च होगा, जैसे हमारा जीएसटी 2017 के अंदर लॉन्च हुआ था उसी तरह से आपका ये भी टैक्स लॉन्च होगा, उस समय की जो रेट होगी वो इसके हिसाब से, लेकिन प्रपोज्ड उन्होंने ये बोला हुआ है कि आप कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन करो इसके ऊपर आपको 2% के हिसाब से टैक्स हम चार्ज कर देंगे, बाकी हम आपसे ना तो जीएसटी चार्ज करेंगे ना आपसे इनकम टैक्स चार्ज करेंगे। The tax would be charged on both check payment and electronic method of the transaction. सर ये आप दोनों methods पे होगा। अगर आप चेक के थ्रू किसी को भी ट्रांसफर कर रहे हो चाहे आप डिजिटल पेमेंट के थ्रू किसी को भी कर रहे हो, अल्टीमेटली सर ये है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो रहा है या आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है, गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करेगी। The tax would be collected by government and equally distributed between central and the respective state where transaction took place. सर अब यहां पर जैसे हमारे जीएसटी के हमने बोला कि सीजीएसटी एसजीएसटी आधा सेंट्रल आधा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, इसी तरह से अगर हमने इनकम टैक्स की बात करते हैं तो सर पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सर यहां पर जो इनकम होती है वो होती है कि सर जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज का अगर हम 2 रुपया 20 रुपया करते हैं तो सर 10 रुपया आपका स्टेट का जाएगा, 10 रुपया आपका सेंट्रल का जाएगा, 50-50 दोनों स्टेट अपना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सर पूरे स्टेट की अगर हम बात करें तो सब स्टेट में मिला के सर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपना 50% पार्ट ले लेगी। तो यहां पर सर ये जो है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। द बीटीटी हैज प्रपोज्ड बाय अर्थ कंट्री एम्स टू एबोलिश ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस एक्सेप्ट कस्टम ऑन इंपोर्ट। सर ऑल अदर टैक्सेस का सिंपल सा मतलब बाकी जितने भी टैक्सेस हमारे इंडिया के अंदर लग रहे हैं वो सभी टैक्सेस को बंद कर देंगे, एबोलिश कर देंगे और एक ही टैक्स लेके आएंगे बीटीटी। लेकिन सर अगर आप कोई अदर कंट्री से अगर आप कोई गुड्स परचेज करते हो जिसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, वो वाला टैक्स सर आपका बंद नहीं होगा, वो एबोलिश नहीं होगा, वो कंटिन्यू बेस पे चलता रहेगा, क्योंकि वो सर एक अलग टाइप का टैक्सेस है, वो उनके लिए है जो विदेश से अगर कोई गुड्स मंगवाते हैं तो उनके लिए कस्टम ड्यूटी उनको पे करनी होती है। पहले सर एक्साइज ड्यूटी लगती थी जब आप गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वो बंद हो गया तो आपका क्या आ गया, जीएसटी आ गया। लेकिन कस्टम ड्यूटी आज भी है, जीएसटी आने के बाद भी कस्टम ड्यूटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ एज इट इज। कोई ऑल अदर टैक्सेस भी अगर इंडिया के अंदर आ जाता है, जैसे बीटीटी आने वाला है,
तो उसके हिसाब से सर आपके कस्टम ड्यूटी के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप कोई भी अदर्स कंट्री से अगर आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो ऐसे केसेस में। आई होप कि सर आपको बीटीटी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ गया कि ये बीटीटी क्या है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स क्या है और वो किस तरह से लेविड होगा। इसके बारे में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन सर वीडियो बनाने वाला है कि सर बीटीटी से इंडिया में आने के बाद में क्या उसके एडवांटेज है, क्या उसके डिसएडवांटेज है, क्या टैक्स किस तरह से वर्क करेगा, इसके ऊपर हम पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। आई होप कि सर इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको क्लियर हो गया और आपको एक नए टैक्स के बारे में अब थोड़ा सा अनुमान भी लग गया होगा कि सर इंडिया के अंदर और क्या क्या होने वाला है। सर ये ऐसे इजी नहीं हो जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हो कि सर हम अभी जीएसटी पढ़ रहे हैं, अभी हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, उसका क्या होगा सर, ये हमको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर हमको वर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सर डेफिनेटली आपको इसके ऊपर वर्क करना चाहिए क्योंकि ये बीटीटी जो टैक्स है, ये जो आने वाला है सर, ये प्रपोज्ड है। अब कब आएगा, कौन सी सरकार लेके आएगी, मोदी सरकार लेके आएगी या कोई और सरकार लेके आएगी, सर वो कब आएगी वो तो सर उन पर ही डिपेंड करता है। 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन 2016 से ये प्रपोज्ड है और धीरे 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 इसके ऊपर वर्क भी चल रहा है, ज़्यादातर डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू हो गए। अगर आपको याद हो सर, टैक्स ऑडिट की जो हमारी लिमिट होती है नॉर्मली, वो लिमिट हमारी होती है सर 1 करोड़ की। ओके, 1 करोड़ से ऊपर का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी इनकम टैक्स में ऑडिट करवानी होती है, लेकिन वही ऑडिट अगर 10 करोड़ रुपीस तक है फिर भी आपको नहीं करानी होती क्योंकि उसमें बोला है सर 95% ट्रांजेक्शन अगर आप बैंक से करते हो तो सर आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो यही गवर्नमेंट सर अलग अलग स्कीम के थ्रू, अलग अलग आपके प्रपोज्ड लिस्ट के थ्रू आपको ये सब करवा रही है जिससे गवर्नमेंट इस टाइप के टैक्सेस लेके आए और गवर्नमेंट आपसे ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट करवा रही है, कैश मार्केट में बिल्कुल कम कर रही है जिससे गवर्नमेंट को इस टाइप से टैक्सेस की इनकम मिले। आई होप कि इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी बताया वो आपको क्लियर हो गया। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो सर डिसलाइक भी आप कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी बता सकते हैं कि सर आप इस तरह से ऐसे वीडियोस बनाइए, ये वाला टॉपिक्स लेके आइए तो हम आपके लिए सर डेफिनेटली वो टॉपिक लेके आएंगे। अगर ये वीडियो की सीरीज आपको अच्छी लग रही है और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज सर आपका मर्जी, आपका इशू। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नए टैक्स बीटीटी के सपने जरूर देखते रहिए। थैंक यू सो मच।